Look, my son, you should not grow like this, because the world will fall apart. We need a clean and green world. India cannot grow the way it wants to. अब आप भी सोचते होंगे कि ऐसे मखनचू वचन कौन बोल रहा है, अंग्रेजी में इतना ज्ञान क्यों? तो बंधु, मामला रघुराम राजन से संबंधित है। भाई साहब अपनी गुफा से बाहर निकलकर फिर से बकवास बिखेरने आए हैं, क्योंकि बंधुवर को भारत की प्रगति कैसे भी करके रोकनी है, चाहे स्वयं इस प्रयास में मरकट सिद्ध हो जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे रघुराम राजन चाहते हैं कि भारत आर्थिक प्रगति की बलि चढ़ा दे, क्योंकि ये पर्यावरण विशेषकर वोक संस्कृति के लिए हानिकारक है। इससे पूर्व कि हम आगे बढ़े, यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। तो अविलंब आरंभ करते हैं। हाल ही में भारत के आर्थिक व्यवस्था पर व्याख्यान देते हुए रघुराम राजन ने बताया कि निसंदेह भारत की प्रगति प्रशंसनीय है, परंतु अभी समय नहीं आया है कि हम औद्योगिक इंटेंसिव अर्थव्यवस्था पर ध्यान दें। उन्होंने कहा है कि हमें चीन आधारित मैन्युफैक्चरिंग मॉडल का अंधानुकरण करने से बचना चाहिए। अच्छा जी, अच्छा विचार है, परंतु ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए या इसके विकल्प क्या है? इस पर इनका लाजवाब तर्क सुनिए। ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि यह पाश्चात्य संस्कृति और पर्यावरण के विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त हमें शिक्षा और युवाओं के कौशल विकास पर ध्यान देना चाहिए। सुनो भाई, अमर्त्य सेन की आधार कार्ड कॉपी मैंने इकोनॉमिक्स 12वीं में ही पढ़नी छोड़ दी थी, परंतु अगर ये आपका आर्थिक दृष्टिकोण है ना, इतने गोल्ड मेडल और बड़े बड़े डिग्री लेने के बाद, तो हमारी 12वीं की बेसिक्स आपसे कहीं अधिक स्ट्रांग है, और ये आपके लिए शर्म की बात होनी चाहिए। परंतु छोड़िए, रघुराम राजन और शर्म एक लाइन में फिट नहीं बैठते हैं। ये एक टर्म और टिकते तो देश की अर्थव्यवस्था का इतना सत्यानाश करते जितना मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने मिलकर भी नहीं किया था। उदाहरण के लिए, रघुराम राजन ने अक्टूबर 2003 से दिसंबर 2006 तक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्य किया। 2008 में भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रघुराम राजन को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया। उसी वर्ष रघुराम राजन को योजना आयोग के आर्थिक सुधारों पर एक उच्च स्तरीय समिति का प्रमुख बनाया गया। इस समिति ने रघुराम राजन की देखरेख में आर्थिक सुधारों से संबंधित रिपोर्ट का पूरा किया, परंतु अर्थशास्त्री के तौर पर उनकी कुछ खास सफलता नहीं रही। रघुराम ने केंद्रीय बैंकर के रूप में निर्णय की अक्षम्य त्रुटियां की, और बार बार उन्होंने ऐसा किया। उनका कार्य इस तथ्य की व्याख्या करता है कि सितंबर 2013 में राजन के RBI गवर्नर के रूप में पदभार संभालने के बाद रेपो रेट 7.5% थी। उस समय तेल की कीमतें $112 प्रति बैरल थी, और 2016 में तेल के साथ $50 से कम रेपो रेट तब भी 6.5% था। 2013 में राजन के कार्यभार संभालने के बाद थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स 7.5%, खुदरा मुद्रा स्फीति 11.47%, खाद्य मुद्रा स्फीति 14.72%, और बॉन्ड यील्ड 8.5% थी। अब रघुराम राजन ये भूल गए हैं कि मौद्रिक नीति सार्वजनिक नीति और वैश्विक वातावरण से अलग है। मुख्य मुद्रा स्फीति यानी इन्फ्लेशन में गिरावट के बावजूद राजन ने मुद्रा स्फीति को लक्ष्य बनाकर चुना। राजन ने अनिच्छा से NPA में मान्यता मानदंडों में मामूली बदलाव किया, परंतु उस समय बहुत देर हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त राजन 2013 में RBI गवर्नर तो बने, तो 2008 और 2013 के बीच मनमोहन सिंह की कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार के आर्थिक सलाहकार के रूप में उनका पर्याप्त दबदबा था। NPA समस्या की जड़ वास्तव में 2008 में शुरू हुई, जिसमें 2013 में NPA 53,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2.4 लाख करोड़ रुपए हो गया था, और वो भी 352% की भारी वृद्धि के साथ। तत्कालीन UPA सरकार के आर्थिक सलाहकार के रूप में राजन को NPA गड़बड़ी की उत्पत्ति के लिए दोष देना चाहिए जो उनके सामने आया था। 2008 में बैंकिंग प्रणाली के भीतर
तनावग्रस्त इकोनॉमी एक बड़ी समस्या थी। हम ये समझने में विफल हैं कि राजा ने 2012 से 2020 तक इंतजार क्यों किया। 2013 तक जब स्ट्रेस्ड एसेट पहले से ही बैंकिंग प्रणाली में कुल बकाया ऋणों का 9.2% था, परंतु राजन ने इस मुद्दे पर बिना किसी स्पष्ट एनपीए समाधान योजना के साथ काम करना जारी रखा। अब यह तो रही राजन के कर्मकांडों की बात, लेकिन पूर्व में भारत ने पाश्चात्य जगत को उनके दोहरे मापदंडों पर आड़े लेने से भी पीछे नहीं रहा। उदाहरण के लिए पीएम मोदी ने जलवायु परिवर्तन पर बोलते हुए पश्चिमी देशों के झूठे प्रचार पर हमला बोला। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस तरह के खराब जलवायु परिदृश्य की जिम्मेदारी निष्पक्ष और पूरी तरह से पश्चिमी देशों पर है। पश्चिमी प्रचार तंत्र का तथ्यात्मक खंडन करते हुए पीएम मोदी ने कहा, दुनिया के बड़े आधुनिक देश न केवल पृथ्वी के अधिक से अधिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, बल्कि वे अधिकतम कार्बन उत्सर्जन के लिए भी जिम्मेदार हैं। विश्व का औसत कार्बन फुटप्रिंट लगभग 4 टन प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है, जबकि भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष केवल 0.5 टन है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े कदम भी उठाए थे। पेरिस में COP सम्मेलन के दौरान भारत ने ऊर्जा के नॉन रिन्यूएबल स्रोतों पर अपनी निर्भरता को काफी कम करने के लिए प्रतिबद्धता भी जताई। इससे पूर्व में भी उन्होंने एक भाषण में बताया था कि कैसे सरदार सरोवर बांध को पूरा करने से रोकने हेतु न्यायपालिका के सामने पर्यावरण संरक्षण के सिपाही अवरोध उत्पन्न करते रहे। न्यायपालिका उस समय एक ठोस निर्णय लेने से कतराती रही। पर्यावरण क्रांतिकारियों के चलते विश्व बैंक ने भी पैसा नहीं दिया था। इतने वर्षों के बाद उसी बांध के चलते कच्छ में जो विकास हुआ है, जो एग्रो एक्सपोर्ट में झंडे गाड़ रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि ऐसे लिपस्टिक आंदोलनकारियों से नुकसान गरीबों का ही हुआ है। सड़कें नहीं है तो अस्पताल स्कूल दूर है, बिजली नहीं है तो आर्थिक और बौद्धिक विकास दूर है। कुछ चंद लोगों की हठ धर्मिता के कारण सभी लोगों का नुकसान नहीं होने दिया जा सकता है। ये असहनीय है कि कुछ लोग जिनके पक्ष को आसानी से दरकिनार किया जा सकता था, परंतु तार्किकता को एक किनारे रखकर भारतीय लोकतंत्र में एक वक्त ऐसे लोगों की पूजा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में ऐसे छद्म और दोगले लोगों की फटकार लगाई है, वह भी समझ गए होंगे कि विदेशी पैमाने पर भारतीय पर्यावरण को नापना मूर्खता होगी। ये निहायती मूर्खों का कार्य है कि वह अपने देश की विरासत को विदेशी कौड़ियों में बेचना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने ऐसे ही लोगों को उपनिवेशवाद मानसिकता में जकड़ा हुआ समूह बताया है। इसके बाद भी रघुराम राजन जैसे लोग हैं जो चाहते हैं कि भारत निरंतर गरीब बना रहे ताकि उनके आकाओं को कुछ ना हो।